संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन द्वारा किए जा रहे सेना निरीक्षण का वर्णन करते हुए बताते हैं, अथव्यवस्थितान् दृष्टा धृतराष्ट्रं कपि ध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तरा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हुए, लेकिन हे राजन, सामने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। वदेता निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, रथ को तब तक खड़ा रखिए। ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयो युर्भयुर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान गुरुनीति। संजय बोले, धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्ण चंद ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन सभी कौरवों को देखें। पश्यत स्थितान् पार्थ पित्र नत पिता महान् आचार्यान् मातुलान् भात्रन् पुत्रान् पौत्रान् सखिन् तथा श्वशुरा सुहृदश्च एव सैनयो भयो अपि। अर्जुन ने वहां पर पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामा